Hello friends. So हम लोग BHU के last year के questions आज में कर रहे थे हम लोग और basically calculus पे कर रहे हैं हम लोग. So almost हर type के जो questions थे, चाहे वो functions के limit continuity से related था, basically continuity, उसके अलावा integration, area, double integration, ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हम लोग अब तक कर चुके हैं फ्रेंड्स. सो अब जो आज करेंगे हम लोग, लिमिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग नहीं किए थे. सो एक कॉमन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप देखेंगे या इस तरह के क्वेश्चंस को आप देखें, स्पेशली अगर मैं BHU के एंट्रेंस की बात करूं फ्रेंड्स, सो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट पे ये होते हैं क्वेश्चंस, इस कॉन्सेप्ट पे ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ईयर आप चाहे वो क्वेश्चन इस तरह का बीएससी एंट्रेंस में आप देखेंगे या फिर एमएससी एंट्रेंस में देखेंगे. और उसी पैटर्न पे 2016 में लिमिट पे बेस्ड क्वेश्चन था फ्रेंड्स. सो पहले क्वेश्चन से अगर आप ऑब्जर्व करें, सो एफएक्स फंक्शन दिया हुआ है, एक्स है, ब्रैकेट में है साइन 1 / एक्स प्लस कॉस 1 / एक्स. कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देखेंगे कई बार आ चुका है x sin 1 / x का कंटिन्यूटी पूछता है, डिफरेंशिएबिलिटी पूछता है या इनफैक्ट लिमिट पूछता है x = 0 पे. यहां पे sin 1 / x के साथ cos 1 / x भी ऐड कर दिया है, तो ये फंक्शन ब्रैकेट के अंदर है, x से मल्टीप्लाई कर दिया है. ये क्वेश्चन उसी कांसेप्ट से होगा जैसे और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग. सो इस फंक्शन का लिमिट पूछ रहा है फ्रेंड्स x = x tends to 0 पे, ठीक है फ्रेंड्स. तो ये जो क्वेश्चन होता है, जो लिमिट की बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है या थ्योरम जिसको मैं बोलूंगा, जिसको हम बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन थ्योरम, उस थ्योरम से होता है. भले आपको ये थ्योरम का स्टेटमेंट मतलब नाम याद ना हो, मैक्सिमम लोग इस थ्योरम का यूज करते आए हैं या आप करते या आप कर रहे होंगे. सो इसका नाम में भी आपको पता नहीं है, अगर नहीं पता है तो इसको समझ लेते हैं, पता है तो इसको अप्लाई करना बहुत आसान है. सो इसका सलूशन की अगर मैं बात बोलूं, तो सलूशन जो होता है इस तरह के क्वेश्चंस की बात करूं अगर मैं, सो जो रिजल्ट यूज करते हैं उस रिजल्ट का नाम है बाउंडेड फंक्शन थ्योरम. फ्रेंड्स, जिस कॉन्सेप्ट को यूज करके ये क्वेश्चन आप करते हैं, उस थ्योरम का नाम है बाउंडेड फंक्शन. सो पहले इसको समझ लेते हैं, ये बोलता क्या है. देखिए, एफ एक्स और जी एक्स कॉन्सेप्ट समझिएगा. एफ एक्स और जी एक्स, मैं दो फंक्शंस लेता हूं x के, ऑफकोर्स ये दोनों फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन होंगे. तो रिजल्ट क्या है फ्रेंड्स, किसी पॉइंट पे इन दोनों के प्रोडक्ट की लिमिट निकालने का ये जो कॉन्सेप्ट है या थ्योरम है बाउंडेड फंक्शन थ्योरम. मतलब ये दो फंक्शंस दिए हुए थे तो इनका किसी पॉइंट पे इन फंक्शंस के प्रोडक्ट की लिमिट की बात करते हैं. सो स्टेटमेंट पहले बहुत क्लियरली समझिएगा, अगर एक पॉइंट है, पॉइंट मतलब क्या, एक रियल नंबर है x = a सच दैट इस पॉइंट पे a पे इस फंक्शन fx की जो लिमिट है ना, मान लीजिए ये लिमिट 0 आती है. कॉन्सेप्ट समझिएगा फ्रेंड्स बाउंडेड फंक्शन थ्योरम का, ये थ्योरम दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के लिमिट को बताता है. तो दो फंक्शंस fx और gx मुझे इस तरह से लेना है कि एक पॉइंट या एक रियल नंबर पे fx जो पहला फंक्शन है उसकी लिमिट 0 है और दूसरा जो फंक्शन है gx फंक्शन वो बाउंडेड है, लेस देन और इक्वल टू कोई रियल नंबर मैंने ले लिया k. तो दूसरा जो फंक्शन gx है वो बाउंडेड है, पहला फंक्शन की लिमिट
इस पॉइंट पे जीरो आ रही है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट एफ एक्स और जी एक्स के प्रोडक्ट की लिमिट जो होगी इस पॉइंट पे एक्स टेंड्स टू ए, एग्जैक्टली ये क्या होगी एफ एक्स जीरो होगी, मतलब एफ एक्स वाली लिमिट। आई होप मैं आपको समझा पाया ये स्टेटमेंट, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। बाउंडेड फंक्शन थ्योरम जो है वो बताती क्या है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट की लिमिट। अब इसमें क्या करना है, एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन समय लेना है, क्वेश्चन में देगा नहीं फ्रेंड्स, आपको समझना है। तो जिस पॉइंट एक रियल नंबर लिया एक्स इक्वल टू ए, इस पे एक फंक्शन की लिमिट जीरो होनी चाहिए, दूसरा फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट का लिमिट भी क्या होगा फ्रेंड्स, जीरो होगा। यही है आपका बाउंडेड फंक्शन थ्योरम फ्रेंड्स। सो इसको आई होप मैं बता पाया, सो इसको मैं लिख देता हूं। सो लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शंस, बी टू फंक्शंस। अब ये फंक्शंस मैं लिख रहा हूं फ्रेंड्स, मतलब ये रियल वैल्यू फंक्शंस है, सच दैट लिमिट x tends to a, ये पॉइंट है, रियल नंबर है, ये लिमिट जीरो है, एंड जी एक्स इज बाउंडेड, एंड जी एक्स इज बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन जी एक्स का जो रेंज होगा ना वो फाइनाइट होगा, यही ना, मॉड जी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू के, बाउंडेड फंक्शन का। सो देन लिमिट x tends to a, उसी पॉइंट पे लिमिट इन दोनों के प्रोडक्ट का fx into gx क्या होगी, fx जीरो। सो आई होप फ्रेंड्स बाउंडेड फंक्शन थ्योरम जो है मैं आपको स्टेटमेंट बता पाया, फिर से मैं जो लिखा हूं रिकॉल करता हूं, मैं दो फंक्शन fx और gx लिया, तो बाउंडेड फंक्शन थ्योरम क्या बोलती है, इन दोनों के प्रोडक्ट की लिमिट। दो फंक्शंस मैंने लिया सच दैट एक रियल नंबर है x is equal to a जनरल, जिस पे fx की लिमिट क्या हो जा रही है जीरो, ठीक है, और gx दूसरा फंक्शन है fx वो क्या है बाउंडेड है, अगर ऐसा है तो इन दोनों के प्रोडक्ट की लिमिट क्या होगी जीरो। सो फ्रेंड्स इसी कॉन्सेप्ट इसी थ्योरम को यूज करके आप देखेंगे BHU में लिमिट्स में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, जैसे ये क्वेश्चन भी है एमएससी एंट्रेंस का 2016। सो इसको प्लीज पॉज करके नोट डाउन करें अगर आप लिखना चाहते हैं, आई होप फ्रेंड्स आपने लिख लिया। सो अब इसको यूज करके मैं सॉल्व करूंगा ये क्वेश्चन। सो देखिए अब इस क्वेश्चन को अगर करना है आपको, तो आपको क्वेश्चन में देख के एफ एक्स और जी एक्स को लेना है। पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, x is equal to 0, लिमिट जो निकाल रहे हैं आप क्वेश्चन में दिया हुआ है, fx आप अगर x लेंगे तो x tends to 0, x क्या आ जाएगा 0। सो यहां पे let fx this is equal to क्या लिया मैंने x, ठीक है, एंड gx जो होगा उसको मैंने ले लिया sin 1 by x प्लस मैंने लिया कॉस 1 बाय x, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 जो पॉइंट है, ये फंक्शन fx लिमिट x टेंड्स टू 0 x, ये लिमिट क्या हो जाएगी 0, और देखिए sin 1 बाय x प्लस cos 1 बाय x, तो फ्रेंड्स इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। साइन का ग्राफ आपको पता है इसकी रेंज क्या होती है, साइन की रेंज क्या होती है माइनस वन से वन, तो मॉड साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू वन होता है, साइन एक्स जो फंक्शन है वन बाई सॉरी साइन एक्स जो है वो क्या होता है बाउंडेड फंक्शन है, इसका रेंज माइनस वन से वन होता है। उसी तरीके से कॉस एक्स भी क्या है बाउंडेड फंक्शन है, इसकी भी रेंज क्या होती है माइनस वन से वन। तो फ्रेंड्स अगर दो बाउंडेड फंक्शंस मैं ले रहा हूं
और इनकी वैल्यूज वन से ज्यादा एक्सीड ही नहीं करेगी, तो थीटा मैं कुछ भी लूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो भी क्या होगा, ये फंक्शन जो होगा इन दोनों का सम जो होगा वो भी क्या होगा, फाइनाइट। अब कंफ्यूज नहीं करना है, x कुछ भी हो सकता है ना, x क्या है यहाँ पे रियल नंबर। अब आते हैं, x की जगह 1 by x रख दिया तो बहुत स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज करते हैं, फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, 1 by x रख दिया आपने तो थीटा इज इक्वल टू 1 रखिए, सॉरी x इज इक्वल टू 1 रखिए, sin 1 plus cos 1 फाइनाइट रियल नंबर, x इज इक्वल टू आप पाई बाय 2 रख दीजिए, sin 1 upon pi by 2 plus cos 1 upon pi by 2, ये भी फाइनाइट रियल नंबर है। जब 0 की तरफ जाएंगे 1 by x इंफिनिटी की तरफ जाएगा, cos 1 by x भी इंफिनिटी की तरफ जाएगा, सॉरी 1 by x जो होगा इंफिनिटी की तरफ जाएगा अगर x को 0 ले जाएंगे, ठीक है। सो 1 by x अगर इंफिनिटी की तरफ जाता है तो sin और cos, ये थीटा अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो साइन और कॉस का पैटर्न क्या होगा, देखिए ये माइनस वन से वन के बीच में ही रहेंगे तो बाउंडेड होंगे। सो एंड जी एक्स की बात बोलता हूं, इज अ बाउंडेड फंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये बाउंडेड फंक्शन हो गया जी एक्स, ये पूरा फंक्शन बाउंडेड है, ये लिमिट जीरो है, बाउंडेड फंक्शन थ्योरम लगा सकते हैं। सो बाय बाउंडेड फंक्शन थ्योरम लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है फ्रेंड्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो जो आपका है एफ एक्स, ये है एक्स और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए जी एक्स, ये भी क्या हो जाएगा जीरो। सो लिमिट एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या हो गया फ्रेंड्स, जीरो। सो आई होप फ्रेंड्स मैं ये अप्लाई कर पाया आपको, आपको समझा पाया। आप देखें बीएचयू के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स या एक्स इंटू कॉस वन बाई एक्स करके आया हुआ क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूटी पूछते हैं, समटाइम्स लिमिट पूछते हैं, यहाँ पे भी लिमिट का क्वेश्चन था, तो फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी फ्रेंड्स। हाँ मेरा एक मिनट, क्वेश्चन में फ्रेंड्स fx दिया हुआ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप g ले लीजिए, नोटेशन में चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ये g हो गया और hx जो है आपका बाउंडेड फंक्शन है, सो यहाँ पे मैं g कर दिया, यहाँ पे h, मैं कंफ्यूजन ना रह जाए इस वजह से, क्योंकि क्वेश्चन में f दे दिया है फंक्शन इस पूरे को, तो f जो फंक्शन है उसको g मल्टीप्लाई बाय s ले लिया, g क्या ले लिया मैंने gx x, hx को मैंने ले लिया ये, सो लिमिट x टेंड टू 0 gx 0 आ रहा है और hx जो है फंक्शन बाउंडेड है, इन दोनों का प्रोडक्ट का लिमिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बाउंडेड फंक्शन थ्योरम से। सो जो आंसर हुआ लिमिट x टेंड टू 0 fx ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0। सो आई होप फ्रेंड्स मैं ये बता पाया, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को लिया, ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे कई बार बीएचयू में आ चुका है और स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन बना रह जाता है, सो आई होप फ्रेंड्स मैं ये समझा पाया, सो प्लीज इसको पॉज करके नोट डाउन करें, प्लीज पॉज करके नोट डाउन करें फ्रेंड्स।